हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द गीकी मॉन्ग में। Realme 9 5G, मैंने Realme 9 5G SE का यहाँ पे आप लोगों को इनिशियल अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने दिया था। बहुत सारे लोग उसका यहाँ पे BGMI टेस्टिंग भी मांग आ रहे हैं, तो मैं वो भी आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर Realme 9 5G की बात करें, तो अभी तक की बहुत सारे ऐसे रिव्यूज आए हैं जिसमें बोला गया कि दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। और ये फोन जो हमने परचेज किया है, हमें ये वाला फोन पड़ा है 13,500 रुपए का, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस थोड़ी सी डिफर करती है और ये बेस वाला वेरियंट है। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं इसको लेकर के, जैसे कि इसमें एक्सपेंडेबल रैम मिलती है कि नहीं है, मिलती है। इसमें जो डिस्प्ले है वो भाई कैसी है, इंडोर आउटडोर की ब्राइटनेस कैसी है, कैमरा कैसा है। कैमरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जो कि इसके बारे में मुझे आप लोगों से बतानी है, कैमरा के बारे में खासकर। तो डेफिनेटली अगर आप ये फोन या कोई भी फोन जो कि 15,000 रुपए से नीचे का लेने की सोच रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये वीडियो कैन हेल्प यू आउट अ लॉट। तो चलिए करते हैं इस फोन को लमसम में, एक हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है हमें इसको यूज करते हुए। लेट्स अनकवर द Realme 9 5G। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ से भाई बैक से ना ये फोन देखने में लगता है एकदम मतलब बहुत ही मक्खन सा लगता है। स्मूथ सी ना बॉडी है, लेकिन ये प्लास्टिक की बॉडी है। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ आपको स्मजेस लगेंगे, हालांकि ज्यादा शाइन नहीं है पीछे की तरफ, लेकिन फिर भी अगर आप उंगली वगैरह रखते हैं तो आपको स्मजेस लगते हैं। हमने इससे दूसरे भी फोन यूज किए हुए, बैक में आपको यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रेचेस लगने के चांसेस है, प्लास्टिक की बॉडी ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ ही साथ में जो ये कैमरे का प्लेसमेंट है, थोड़ा सा डिजाइन बैक से थोड़ा सा पुराना सा ना लगता है इनका। रियलमी 8 सीरीज में भी कुछ ऐसे फोन है जो कि इसी जो डिजाइन में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक क्या लगता है। और इसमें ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक चीज रहेगी। उसके साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, विच इज एक्चुअली फास्ट इनफ। और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को ना मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो फोन आता है ना यार, ये फोन देखिए अभी इन्होंने लेकर के आए हैं, और एक रियलमी 9 वाली सीरीज है, लेटेस्ट सीरीज है, लेकिन फिर भी इन्होंने रियलमी UI 3 नहीं दिया हुआ है, बल्कि रियलमी UI 2 ही के साथ में आता है, एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम इसके अंदर आपको Realme UI 3 तो देखने को मिलता है, भले Android 11 रहता तो क्या था। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी डिमांड थी, रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है बेस वेरिएंट में। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन रैम एक्सपेंशन का एज सच कोई मुझे ऑप्शन देखने को मिला ही नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि रैम एक्सपेंशन मिलती नहीं है, ठीक है, तो ये तो आप मान ले। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ इनका यहाँ पे एक सिंगल स्पीकर दिया हुआ है, ये ना डुअल स्पीकर के साथ में आता नहीं है, जो कि डिसेंट सा है, मतलब बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन हाँ क्रिस्प एंड क्लियर है, विच इज एक्चुअली गुड। 15,000 रुपए से नीचे वाले प्राइस में मैं इसको बोलूंगा इट इज एक्चुअली ओके। साथ ही साथ में गाइस ये एक 5G फोन है, और यहाँ पे आपको 5 5G के बैंड्स यहाँ पे सपोर्ट देखते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे ये 4G प्लस एग्रीगेशन के साथ में भी आता है। अगर आपको 5G ही फोन लेना है तो डेफिनेटली ये एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। खैर दूसरे भी ऑप्शन है, मैं उस पर भी आऊंगा लेटर ऑन, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फ्रंट से अगर आप बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसकी ब्राइटनेस मुझे ठीक ठाक सी लगी है। यहाँ पे 90Hz का पैनल है, भाई LCD डिस्प्ले है, वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट 120Hz, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको 90Hz ही देखने को मिलेगा, जो कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा यूज करते हुए मजा भी आया, ठीक ठाक है। यहाँ पे स्क्रॉलिंग वगैरह ऐसा कोई प्रॉब्लम देता नहीं है। लेकिन अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो मैंने कैमरे में आप लोगों को बताया था कुछ प्रॉब्लम्स है शुरुआत में, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है जरा मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर लूं। देखिए यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का जिनका रियर का कैमरा है ना, यहाँ पे जब भी आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तो पहली चीज है कि 1080p के रिजोल्यूशन में ही रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि कई बार ये ओवर एक्सपोज करता है हमारे स्किन को, एंड इवन यहाँ पे केवल स्किन को ये ओवर एक्सपोज नहीं करता, जब हम पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं ना तो जो एजेस हैं उसको तो ठीक ठाक ही यहाँ पे डिफाइन करता है, लेकिन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा, जैसे कहते नहीं जैसे भगवान जी आते तो पीछे से लाइट वगैरह आती है, तो वैसा कुछ हमें इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। कुछ ना फोटोज आपके सामने आ रही है, एंड इवन मतलब कहने का मतलब ये कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा लाइटनिंग होगी तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। और हाँ ओवर एक्सपोजर तो करता है, धूप वगैरह में अगर आप यहाँ पे फोटोज वगैरह लेते हैं तो भाई ओवर एक्सपोज के साथ आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है, इसमें थोड़ा सा फोकसिंग का भी इशू मेरे को यहाँ लगा है, मैंने वीडियो वगैरह शूट करी है तो उसके अंदर मुझे फोकस उतना ज्यादा मुझे मिल नहीं रहा था। हाँ लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे काफी ज्यादा सैचुरेटेड वीडियोस और फोटोज यहाँ पे कैप्चर करता है, तो आपको यहाँ पे एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली खुद ही आप नॉर्मली फोटो क्लिक करके आप सिंपली पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम चाहे ट्विटर। हाँ इंस्टाग्राम ट्विटर से भैया याद आया कि हमारी भी इंस्टाग्राम की आईडी है द गीकी मॉन्ग के नाम से, वहां से जाके आप फॉलो कर लें, कुछ नया आने वाला है उस पे। खैर इसके साथ ही साथ में यहाँ पे जो इनका EIS है ना, काफी ठीक ठाक यहाँ पे काम जो करता है, हमने यहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह ली है उसमें
ठीक ठाक यहाँ पे ये वर्क कर रहा था, मुझे उसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मुझे कैमरे में प्रॉब्लम लगी वो मैंने आपको बता दी। और अगर एक जिस्ट दे दूं तो इसका कैमरा ज्यादा बेटर है इससे। मैं साइड बाय साइड दोनों को मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ, वो डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा। तो वो जब कंपैरिजन लेकर के आएंगे तो साइड बाय साइड आपको ये सारी वीडियोस का कंपैरिजन भी दिखा हम देंगे। तो ये थी इसका कैमरे का डिटेल। और फ्रंट से अगर मैं बात बता दूं तो फ्रंट से मुझे ठीक ठाक यहाँ पे ना लगा है। कभी कभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शेडी भी मुझे यहाँ लगा है, जैसे बैकग्राउंड में अगर ज्यादा लाइट होती है ना तो चेहरे पे एक फेडनेस टाइप की ना मुझे ना लगी जब मैंने यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा से फोटोज वगैरह खींच में रहा था। ये सारी चीजें थी। मुझे कैमरा मैं सच बताऊं तो उतना पसंद नहीं आया, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये अगर दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन इससे बेटर भी कैमरा वाले फोन है इसी प्राइस पॉइंट के अंदर में, तो थोड़ा सा और बेटर यहाँ पे नया अपडेट में अगर ये लोग कर दे तो बेहतर जो रहेगा। तो यहाँ पे यार इन्होंने आपको चिपकाया हुआ है डायमेंसिटी 810। अच्छा आप लोग बोलेंगे भाई ये मैंने चिपकाया हुआ क्यों बोला, वो चिपकाया हुआ इसलिए गाइस मैंने बोला क्योंकि एक्चुअल में वो प्रोसेसर काफी ज्यादा केपेबल है काफी सारी चीजों के, लेकिन उसको काफी ज्यादा कम तरीके से इन्होंने यूज किया हुआ है। कैसे, जैसे एग्जांपल देता हूं, जब आप कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसके अंदर इन्होंने कोई भी 4K की कैमरा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया नहीं है जो कि ये प्रोसेसर केपेबल है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पे जो 1080p की रिजोल्यूशन में आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से, वो भी केवल 30 fps पे। तो ये मतलब मेरे जो बेस वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूं, उसके अपर वाले वेरिएंट में अगर आता हूं तो मुझे पता नहीं, लेकिन 30 fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक से और फ्रंट से दोनों से ही। इसके साथ ही साथ में गाइस यहां पे अगर सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करें तो ये 80% तक की यहां पे ये परफॉर्मेंस को अचीव करता है, मतलब कि 20% थ्रॉटलिंग तो है। बीजीएमआई पे आने से पहले जरा आप लोगों को एक चीज बता दूं कि एंटूटू बेंचमार्क इनका 320,000 के आसपास में ये स्कोर करता है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा। यहां पे कुछ ऐसे प्रोसेसर्स हैं जो कि अब यहां पे 15,000 से कम के प्राइस में आते हैं और वो काफी अच्छा स्कोर करते हैं, बल्कि 400,000+, और मैं बात कर रहा हूं इसकी। जी हाँ, हाँ गाइस भाई चैनल पे नए हो तो भाई यहाँ पे यार 95% पीपल ऐसे हैं जो कि हमारे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई ऐसी नाइंसाफी मत जो करिए, हमारे चैनल को सब करिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ में बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं, वरना हम जो नई नई चीजें इस चैनल पे करेंगे वो आपको पता कैसे चलेगी, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग ये समझते हैं कि भैया इसमें बीजीएमआई काफी मक्खन चलेगा, जब मैंने इसके अंदर बीजीएमआई की टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने जो इनमें डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है स्मूथ और अल्ट्रा की, उसमें मैंने बीजीएमआई खेला तो उसमें मुझे ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे 60 fps पे गए तो क्या हुआ, तो उसको देखने के लिए आप हमारे गेमिंग वाले चैनल पे जा सकते हैं, लिंक यहाँ आई बटन में दे दूंगा। खैर नाराज नहीं है, बता देता हूँ छोटी सी जिस्ट में कि 60 fps अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप देखने को ना मिलेंगे 60 fps पे, और अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा, 50 fps के आसपास में ही आपको देखने को ना मिलेगा। पबजी गेमिंग मुझे इतनी ज्यादा स्मूथ इसमें नहीं लगी है, दूसरे ऐसे फोन है जिसमें काफी ज्यादा स्मूथ है, लेकिन इसमें एक चीज बोलूंगा जायरोस्कोप का इशू नहीं है जो कि हमारे इसके अंदर देखने को हम लोगों को ना मिला था गेमिंग के अंदर। मैं बोलूंगा कि ठीक है अगर आपको अपना केवल नॉर्मल गेमिंग ही करनी है और केवल आपको यहाँ पे कोई भी कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करना है, देन यू कैन एक्चुअली गो विद दिस पर्टिकुलर फोन, और डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। यहाँ पे मुझे अभी तक की कोई भी जिटरिंग नहीं महसूस यार हुई है फोन के अंदर। मैंने मल्टीपल एप्स को ओपन किया है, मैं उसके बीच में मैं यहाँ पे स्क्रॉल भी हुआ हूँ, 4GB की रैम के साथ में भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं काफी ज्यादा शॉक था। लेकिन ये था भाई इस पर्टिकुलर फोन के बारे में पूरा डिटेल में, मैंने आप लोगों को परफॉर्मेंस से लेकर के इनके कैमरे से लेकर सारी चीजें आप लोगों को बता दी। आई होप कि आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो ना तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा, मजा आएगी आपको भी और हमें भी। ठीक है, तो गाइस दिस वाज ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।